पैसा जब इंसान के पास आ जाता है तो इंसान भूल जाता है कि वो कौन है, और जब पैसा उसके पास से चला जाता है तो दुनिया भूल जाती है कि वो कौन है। पैसा बड़े कमाल की चीज है, बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मैं हूं आरजे कार्तिक। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी किताबों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बता रहा हूं जो आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी यानी कि पैसे का जो मनोविज्ञान है उसको बताती है। मॉर्गन हाउसल ने यह बुक लिखी है, और ये बुक जब भी फाइनेंस की बात आती है, पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने की बात आती है, तो मस्ट रीड बुक कही जाती है। बहुत आसान शब्दों में आपको 5 लर्निंग्स इस बुक से बताऊंगा जो कि आपको सारी बुक का सार समझा देंगी। मॉर्गन हाउसल की लिखी हुई किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसमें धन के मनोविज्ञान के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। हर इंसान का पैसे को लेकर के अपना अपना नजरिया होता है। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा बहुत कुछ होता है, कुछ लोग कहते हैं कि मनी डजंट मैटर, पैसा मैटर नहीं करता, खुशियां मैटर करती हैं। तो आइए सीखते हैं 5 बड़ी बातें द साइकोलॉजी ऑफ मनी से। सबसे पहली लर्निंग जो कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी से मैंने सीखी है वो है, पैसा बर्बाद मत करो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एक खूबसूरत बंगला मिल सकता है या फिर आप 30 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो बताइए आप क्या चुनना चाहेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि मुझे बंगला चाहिए, कुछ लोग कहेंगे मुझे पैसा चाहिए। कई सारे लोग आपसे इस तरीके के सवाल करते होंगे, और जब ऐसे सवाल आपके सामने आते होंगे तो आपका दिमाग घूम जाता होगा, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो आपके दिमाग को संशय में, कंफ्यूजन में डाल देता है। इस पैसे को समझने के लिए अपने माइंड को समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका हाल कुछ ऐसा है और आप भी इस तरीके के सवालों से परेशान रहते हैं, तो ऑथर ने इस बुक में किस्सा बताया। वो कहते हैं कि जब मैं अपने कॉलेज में था तब पैसे इकट्ठा करने के लिए वेटर का जॉब किया करता था, और जिस जगह पर काम करता था वो लॉस एंजलिस के सबसे महंगे होटल में से एक था। एक दिन कहते हैं मॉर्गन हाउसल की, जब मैं अपनी जॉब पर था तो मैंने देखा एक 21 साल का मिलियनेयर वहां पर आया हुआ था। वो बहुत स्मार्ट था, टेक्नोलॉजी की अच्छी पकड़ थी, उसने वाईफाई राउटर का एक ऐसा कंपोनेंट तैयार किया था जिसके लिए उसे काफी अच्छे पैसे मिले थे। उसने बहुत सारे अलग अलग स्टार्टअप शुरू किए और उन्हें बेच दिया। मनी मैनेजमेंट में हालांकि वो खास नहीं था, क्योंकि उस लड़के को अपने पैसे की नुमाइश करना, दिखावा करना, शो ऑफ करना बहुत पसंद था। जहां भी जाता था अपने साथ में नोटों की गड्डी लेकर के जाता था, और वेटर को भी कई बार टिप के नाम पर मोटी नोटों की गड्डी दे देता था। एक बार जब वो एक शॉप पर पहुंचा तो दुकानदार ने उसे पैसे के बदले सोने के सिक्के दिए। तो आप सोचिए कि उसने क्या किया होगा। वो समुद्र के किनारे गया और बीच साइड जाकर के अपने दोस्तों को भी सिक्के दिए और कहा चलो फेंकते हैं किसका कितनी दूर जाता है सिक्का। इस तरीके की हरकतें उसने की। और एक दिन ऐसा भी आया जब वो एक होटल के लैम्प से टकरा गया था, और उसकी वजह से वो लैम्प टूट गई थी। लैम्प टूटने की वजह से जो होटल मैनेजर था उसने कहा कि भाई $500 का खर्चा है। तो इस लड़के ने वहां तमाशा किया, इसने होटल के मैनेजर को $5,000 दिए और कहा कि ले जाओ जितने लैम्प ठीक कराने करा लो, और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अगर आप ये किस्सा जब सुन रहे हैं तो आपको लग रहा हो कि ये फेक है, फर्जी कहानी, ऐसा कुछ नहीं है, ये सच में हुआ। ऐसे लोग होते हैं जो पैसे का दिखावा करते हैं जब पैसा उनके पास में आ जाता है, और एक दिन ऐसा भी आता है जब वो दिवालिया हो जाते हैं। इस लड़के के साथ भी ये हुआ, पैसे के नशे में इसने अपना सारा पैसा खो दिया क्योंकि इसे घमंड हो चुका था। ये दोस्तों के साथ में अपने पैसे को बर्बाद कर रहा था, और वो दोस्त भी जब इसके पास में पैसा खत्म हो गया तो इसका साथ छोड़ करके चले गए। अब जो मॉर्गन हाउसल हैं उस टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव के बारे में भी बताते हैं, और एक साधारण से सफाई कर्मी यानी कि जो स्वीपर होते हैं उनका पैसे को लेकर के क्या बिहेवियर, उसको कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं कि पैसे को कमाना जरूरी है और उसको सेव करना भी जरूरी है, उसके लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपके माइंड सेट की जरूरत है। एक सफाई कर्मी जो कि सफाई का काम करता था, उसने पैसे बचाए और धीरे धीरे उसने एक सही जगह पर जो है स्टॉक में इन्वेस्ट किया, और एक दिन वो करोड़पति बन गया। तो पैसे को लेकर के सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि कभी भी पैसा बर्बाद मत करो, जो हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें सिखाया है, डोंट वेस्ट मनी। दूसरी लर्निंग जो कि मुझे द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस किताब से मिली है वो है, अमीर बनना तो आसान है लेकिन अमीर बने रहना बहुत मुश्किल है। और अमीर बने रहना मुश्किल है तो उसमें काफी सारे लोग जो हैं फेल हो जाते हैं। आपने देखे होंगे वो लोग जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बड़े अमीर रहते हैं, बड़ा शो ऑफ करते हैं, और समय बीतने के साथ में फिर वो टूट से जाते हैं, अपनी अमीरियत को बरकरार नहीं रख पाते हैं। इसलिए अपने करियर में, बिजनेस फील्ड में, स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टिंग में सक्सेस पाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लंबे समय तक सर्वाइव करें। और इसे समझने के लिए आप समझिए वॉरेन बफेट का एग्जांपल, जिनके साथ में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था, लेकिन वॉरेन बफेट की तरह लगातार सक्सेसफुल नहीं बन पाए क्योंकि वो लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाए। अमीर बनने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप कोई भी काम करके अमीर बन सकते हैं, लेकिन अमीर बने रहना बिल्कुल वैसा ही मुश्किल काम है जैसे कि सक्सेसफुल बने रहना।
सफलता मिल जाती है। आजकल डिजिटल की दुनिया में वायरल कोई भी कभी भी अचानक कहीं से हो जाता है, लेकिन वायरल होते रहना बहुत मुश्किल काम होता है। इस मुश्किल काम का सीक्रेट यह है कि आपको एक्सेप्ट करना होगा कि दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती। अगर आपके पास में कोई चीज़ आज है तो उसकी वैल्यू कीजिए और ये समझ के चलिए कि इस दुनिया में नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है। तो आप बहुत तरीके से सलीके से चलेंगे और आप दुनिया में सक्सेसफुल बने रहेंगे, ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। जैसे इस बुक के ऑथर मॉर्गन हाउजल ने कहा कि रिच होना और रिच बने रहना आसान नहीं है, इसीलिए जैसे आज हमारा सेफ है लेकिन फ्यूचर भी सेफ रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है अगर हमने आज फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग नहीं की। अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान देख रहे हैं जो कि आपकी सेविंग्स को मैक्सिमाइज करें और फ्यूचर गोल्स जैसे कि रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन या फिर बच्चों की शादी या फिर आपका कोई भी और फाइनेंशियल गोल हो, तो इन सब के लिए सबसे परफेक्ट सोल्यूशन है वो भी गारंटीड एंड टैक्स फ्री मैच्योरिटी बेनिफिट्स के साथ, मैक्स लाइफ गारंटीड सेविंग्स प्लान। मैक्स लाइफ गारंटीड सेविंग्स प्लान में आपके पास 4 फ्लेक्सिबल ऑप्शंस हैं जैसे कि लंपसम, शॉर्ट टर्म इनकम, लॉन्ग टर्म इनकम और होल लाइफ इनकम। इसका मतलब कि आप एक साथ सारा पैसा निकाल सकते हैं या फिर अपने गोल के अकॉर्डिंग मंथली इनकम को प्लान कर सकते हैं। इतना ही नहीं, साथ ही इसमें मिलता है लाइफ कवर भी, अगर आपको कुछ हो जाता है तो ये प्रोटेक्ट करेंगे आपकी फैमिली को। इस प्लान में आपको 12 साल तक हर महीने 16,000 रुपए देने और मैच्योरिटी पर आपको मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। सो अब इंतजार किस चीज का है, शुरू कीजिए अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी मैक्स लाइफ के साथ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरी बड़ी लर्निंग जो कि इस बुक से मिलती है, नो वन इज क्रेजी, दुनिया में कोई भी मूर्ख नहीं है। अगर आपको बहुत सारे लोग ऐसे दिखते हैं जो कि पैसों के साथ में मूर्खता वाला व्यवहार कर रहे हैं, आपको लगता है कि क्या कर रहा है पैसे उड़ा रहा है, तो मूर्ख नहीं है, बेवकूफ नहीं है। आजकल की जनरेशन कई बार ऐसा लगता है कि शो ऑफ करने में पैसा खर्च कर रही है, गेमिंग के पीछे दौड़ रही है, लॉटरी का टिकट खरीद रही है, तो लोग वही काम कर रहे हैं जो उनका माइंड करना चाह रहा है। कई लोग गरीब होते हैं, उनको लगता है कि हम इमरजेंसी के लिए पैसे अरेंज नहीं कर सकते, लेकिन अभी जो उसको तोड़ा लेते हैं, अभी तो जीवन को जी लेते हैं। तो लोगों का जो एटीट्यूड है वो पैसे को लेकर के अलग अलग प्रकार का है। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि पैसों की सेविंग करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च हो जा रहा है, तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि जो भी है बस उसको जी लो। ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो बड़ी गाड़ियों के बारे में सोचते हैं, बड़े घर के बारे में सोचते हैं, महंगे स्कूल के बारे में एडमिशन कराने का सपना रखते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें आसानी से मिल चुकी हैं तो आप उनकी कद्र करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें कई लोगों के लिए आज भी एक सपना ही है। मॉर्गन हाउजल एक कहानी सुनाते हैं और वो मैसेज देते हैं कि चाहे इंसान गरीब हो, मिडिल क्लास से बिलोंग करता हो, बहुत अमीर हो, वो अपने फाइनेंशियल रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं वो एक्सेल शीट का एनालिसिस करके नहीं लेता है, वो अपनी सिचुएशंस, अपने इमोशंस से अफेक्ट होकर के लेता है। ऐसा हो सकता है कि जो फैसले मैं लूँ वो आपको बेवकूफ़ी भरे लगें, यह भी हो सकता है कि आप जो लें वो मुझे लगे कि क्या फैसला आपने ले लिया। तो हमारी जो ग्रोथ है वो इस पर डिपेंड करती है कि आसपास की जो सिचुएशन चल रही है, जो हमारे इमोशंस चल रहे हैं, उनको हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, अपने पैसे को किस तरीके से मैनेज करते हैं और उसका सही इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप शेयर खरीद रहे हैं तो आप ये याद रखिए कि किसी ने वो शेयर बेचा है। इसका मतलब कि जब कोई आपको शेयर आप खरीद रहे हैं तो आप उसे सस्ता समझ के खरीद रहे हैं, लेकिन दूसरा इसलिए बेच रहा है क्योंकि उसको महंगा लग रहा है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि लोगों को हमेशा यही लगता है कि वो बढ़िया डील कर रहे हैं, और हो सकता है कि उस वक्त के लिए वो बढ़िया डील भी हो। आज से 20 साल पहले अगर किसी ने अमेजोन के शेयर लिए होंगे तो आज वो 2600% के फायदे पर बैठा होगा, हो सकता है कि उस वक्त किसी ने अमेजोन के शेयर लिए ना हो। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि पैसे को लेकर के कोई भी मूर्ख नहीं है, वो अपने आसपास की सिचुएशन, अपने इमोशंस के हिसाब से डिसीजन ले रहा होता है। चौथी लर्निंग जो कि इस बुक से मिलती है, पैसा कभी भी काफी नहीं होता। हमेशा आपको ऐसा लगता रहेगा कि पैसा और मिल जाए तो बढ़िया रहे, लेकिन यही दुख का कारण है। साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में बताने के लिए कोलकाता के रजत गुप्ता का एग्जांपल देते हैं। ऑथर कहते हैं कि 40 साल की उम्र में अनाथ होने के बावजूद एक बड़ी कंपनी के सीईओ बन गए थे। 2008 में उनके पास में $100 मिलियन थे। वो चाहते तो इंटरेस्ट इनकम के जरिए बैंक में पैसा रखा रहता और उसके जरिए ही वो इंटरेस्ट इनकम से कुछ और पैसे कमाते, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं थे। वो करोड़पति से अरबपति बनना चाहते थे, लालच आ चुका था और उन्होंने ऐसा काम किया जिससे उनकी बरसों की बनाई हुई जो रेपुटेशन थी वो मिट्टी में मिल गई। बोर्ड मीटिंग में जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिलती थी उसे फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए बेच देते थे और इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह में उन्हें जेल भेज दिया गया। रजत गुप्ता के इस एग्जांपल से ऑथर समझाना चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर लिया लेकिन दूसरा फाइनेंशियल गोल तुरंत अचीव करना चाहते हैं। ऐसे लोग रुकते नहीं हैं और इसी चक्कर में लालच कर बैठते हैं और लालच जो है सब कुछ तबाह कर देता है। ज्यादा पैसों का लालच, पैसा तो कभी भी आपको काफ़ी नहीं लगेगा, कभी भी आपको ऐसा लगेगा कि पर्याप्त है, आपको लगेगा थोड़ी और भूख जो है बची है। तो अगर आप यही सोचते रह जाएंगे, दूसरों से अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को कंपेयर करने लगेंगे, तो इस वक्त की जो शांति है, जो इस वक्त का सुकून है, उसे खो बैठेंगे। और आखिरी लर्निंग जो कि इस बुक से मिलती है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी के ऑथर मॉर्गन हाउजल कहते हैं कि लक और रिस्क दोनों भाई भाई हैं।
भाग्य और जोखिम साथ साथ चलते हैं, हम लोगों के जीवन से जुड़े हुए हैं। एक छोटी सी कहानी वो बताते हैं कि 1968 में जब बिल गेट्स स्कूल में पढ़ने जाते थे, उस समय पूरी दुनिया में उनके जैसे ही 30 करोड़ स्टूडेंट्स हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन फाइनेंशियल मजबूती थी उनके परिवार की, इसलिए वो लेक साइड स्कूल में जाते थे। ये वो स्कूल था जहां बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर था, और बिल गेट्स उस दौर के लकी स्टूडेंट्स में थे जिनको कंप्यूटर सीखने का मौका मिला। वो कहते हैं, उन्होंने कही थी ये बात ऑन रिकॉर्ड इवेंट में, कि अगर लेक साइड स्कूल नहीं होता तो शायद मेरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होती। बिल गेट्स की सक्सेस होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर थे, उसमें लक भी एक था। बिल गेट्स अपने स्कूल के दोस्त के बारे में बताते हैं कि कैंट नाम का एक मेरा दोस्त था, जिसने स्कूल छोड़ दिया होता तो आज वो भी मेरे साथ माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर होता, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और साथ में वो माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए गया, और जब वो माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए गया तो उसकी जान चली गई। माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए लाखों लोग जाते हैं, उनमें से किसी एक की जान जाती, और वो शायद कैंट निकला। रिस्क ली कैंट ने, वो वहाँ गए जो कि बड़ा जोखिम भरा काम था उन्होंने किया, और वो दुनिया छोड़ के चले गए। जीवन में सक्सेस मिलने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, रिस्क भी होती है, लक भी होता है, आपकी मेहनत भी होती है। इन सारे फैक्टर्स का अगर संतुलन बन जाए तब जाकर के आपको जीवन में सक्सेस मिलती है। तो अगर आपके पास में पैसा आ चुका है तो आप विनम्र बने रहिए, और अगर आपके पास में पैसा नहीं आया है तो कोशिश करते रहिए। मैं अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपने परिवार के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दिखते रहिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया।